पहला सैमुएल 12वां बाब। तब सैमुएल ने सब इसराइलियों से कहा, देखो जो कुछ तुमने मुझसे कहा मैंने तुम्हारी एक एक बात मानी, और एक बादशाह तुम्हारे ऊपर ठहराया है, और अब देखो ये बादशाह तुम्हारे आगे आगे चलता है। मैं तो बुढ़ा हूं और मेरा सिर सफेद हो गया, और देखो मेरे बेटे तुम्हारे साथ हैं। मैं लड़कपन से आज तक तुम्हारे सामने ही चलता रहा हूं, मैं हाजिर हूं, सो तुम खुदावंद और उसके ममसू के आगे मेरे मुंह पर बताओ कि मैंने किसका बैल ले लिया या किसका गधा लिया, मैंने किसका हक मारा या किस पर जुल्म किया, या किसके हाथ से मैंने रिश्वत ली ताकि अंधा बन जाऊं, बताओ और ये मैं तुमको वापस कर दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, तूने हमारा हक नहीं मारा और ना हम पर जुल्म किया और ना तूने किसी के हाथ से कुछ लिया। तब उसने उनसे कहा कि खुदावंद तुम्हारा गवाह और उसका ममसू आज के दिन गवाह है कि मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा, वो गवाह है। फिर सैमुएल लोगों से कहने लगा, वो खुदावंद ही है जिसने मूसा और हारून को मुकरर किया और तुम्हारे बाप दादा को मुल्के मिस्र से निकाल लाया। सो अब ठहरे रहो ताकि मैं खुदावंद के हजूर उन सब नेकियों के बारे में जो खुदावंद ने तुमसे और तुम्हारे बाप दादा से की गुफ्तगू करूं। जब याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे बाप दादा ने खुदावंद से फरियाद की, तो खुदावंद ने मूसा और हारून को भेजा जिन्होंने तुम्हारे बाप दादा को मिस्र से निकालकर इस जगह बसाया, पर वो खुदावंद अपने खुदा को भूल गए। सो उसने उनको हसूर की फौज के सिप्पा सलार ससेरा के हाथ और फिलिस्तियों के हाथ और शाह मुआब के हाथ बेच डाला, और वो उनसे लड़े। फिर उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और कहा कि हमने गुनाह किया इसलिए कि हमने खुदावंद को छोड़ा और बालेम और इस्तारात की प्रस्तिश की, पर अब तू हमको हमारे दुश्मनों के हाथ से छुड़ा तो हम तेरी प्रस्तिश करेंगे। सो खुदावंद ने यरबाल और बदान और इफ्ता और सैमुएल को भेजा और तुमको तुम्हारे दुश्मनों के हाथ से जो तुम्हारी चारों तरफ थे रिहाई दी, और तुम चैन से रहने लगे। और जब तुमने देखा कि बनी अमून का बादशाह नाहस तुम पर चढ़ आया, तो तुमने मुझसे कहा कि हम पर कोई बादशाह सल्तनत करे, हालांकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारा बादशाह था। सो अब उस बादशाह को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने दरख्वास्त की थी। देखो खुदावंद ने तुम पर बादशाह मुकरर कर दिया है। अगर तुम खुदावंद से डरते और उसकी प्रस्तुति करते और उसकी बात मानते रहो और खुदावंद के हुक्म से सरकशी ना करो, और तुम और वो बादशाह भी जो तुम पर सल्तनत करता है खुदावंद अपने खुदा के पैरों बने रहो, तो खैर। पर अगर तुम खुदावंद की बात ना मानो बल्कि खुदावंद के हुक्म से सरकशी करो, तो खुदावंद का हाथ तुम्हारे खिलाफ होगा जैसे वो तुम्हारे बाप दादा के खिलाफ होता था। सो अब तुम ठहरे रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे खुदावंद तुम्हारी आंखों के सामने करेगा। क्या आज गेहूं काटने का दिन नहीं? मैं खुदावंद से अर्ज करूंगा कि बादल गरजे और पानी बरसे, और तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने खुदावंद के हजूर अपने लिए बादशाह मांगने से कितनी बड़ी शरारत की। चुनाचे सैमुएल ने
खुदावंद से अर्ज की और खुदावंद की तरफ से उसी दिन बादल गरजा और पानी बरसा। तब सब लोग खुदावंद और सैमुएल से नहायत डर गए और सब लोगों ने सैमुएल से कहा कि अपने खादिमों के लिए खुदावंद अपने खुदा से दुआ कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सब गुनाहों पर ये शरारत भी भड़ा दी है कि अपने लिए एक बादशाह मांगा। सैमुएल ने लोगों से कहा, खौफ न करो, ये सब शरारत तो तुमने की है, तो भी खुदावंद की पैरवी से कनारा कशी ना करो, बल्कि अपने सारे दिल से खुदावंद की प्रस्तुति करो। तुम किनारा कशी ना करना, वरना बातिल चीजों की पैरवी करने लगोगे, जो ना फायदा पहुंचा सकती हैं, ना रिहाई दे सकती हैं, इसलिए कि वो सब बातिल हैं, क्योंकि खुदावंद अपने बड़े नाम के बायस अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा, इसलिए कि खुदावंद को यही पसंद आया कि तुमको अपनी कौम बनाए, अब रहा मैं, सो खुदा न करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावंद से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, पर अगर तुम अभी भी शरारत ही करते जाओ तो तुम और तुम्हारा बादशाह दोनों के दोनों नाबूद कर दिए जाओगे।